अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट कुकीज़ जो मैंने ताज़ा वाला जो पानी वाला नारियल होता है उसकी बनाई है। ये देखिए, मैंने दो तरीके से कुकीज़ रेडी की हैं, एक भगोने में की है और एक अवन में की है। और देखिए, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लग रहा है कि कौन सी भगोने की है और कौन सी अवन की है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम एक कप पिसी हुई चीनी लेंगे। ये हमें चीनी हमारी थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए हमने बाद में भी ऐड की है। तो इसलिए आप एक कप पूरा भर कर चीनी लेंगे, पिसी हुई चीनी है ये। और इसमें आधा कप हम मेल्टेड घी डालेंगे। इसमें आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। अब इसे हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें इसे इतने अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम एक और बॉल लेंगे, उसमें हम एक कप, हमने उसी कप से मेजर किया है, कप मैदा ले लिया। इसमें 1 टीस्पून हमारा बेकिंग पाउडर जाएगा। अब इसे हम बहुत अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि मोटा पार्ट भी होता है इसमें, और इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी हम अपना मैदा इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा सा इसका डो तैयार करना है। अब हमने नारियल को ग्राइंडर में घुमा लिया था। देखिए, हमारा नारियल बारीक हो गया है। इसमें हमें नारियल को ग्राइंड करने के लिए हमने सिर्फ 1 टीस्पून दूध का यूज़ किया है, 1/2 कप हम और लेंगे। अब इसका हमें डो रेडी करना है। देखिए, हमारा ये ताज़ा वाला नारियल है। ये हमारे डेसिकेटेड नारियल जो होता है ना, नारियल का बुरादा जिसे बोलते हैं, ये उसकी भी कुकीज़ बनती हैं। वो ड्राई होता है, तो उसमें हमारा ऐसे नहीं होगा। वो हमारा ड्राई होगा तो उसमें हम 2 टीस्पून या टेबल स्पून समझ लीजिए बस दूध का हम ऐड करेंगे। लेकिन इसमें हम देखिए, हमारा थोड़ा सा पतला हो रहा है क्योंकि ये ताज़ा नारियल है, तो इसमें हम 1/2 कप मैदे का और ऐड करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा 1.5 कप मैदा और 1.5 कप ही हमारा नारियल हो गया है, और 1 कप चीनी। बस आप एक मेज़रमेंट के लिए 1 कप रखें, तो उसी से आप सब कुछ मेज़र करिएगा। ये हमने भगोने में नमक डालकर इसे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसे कवर करके रख देंगे। अब हमने अपना ओवन भी 200 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। देखिए, हमारा डो भी रेडी हो गया है। ये हमने एक थाली ले ली है, उसके ऊपर हम अच्छे से ग्रीस करेंगे घी से। अभी इसमें हमने 1/2 चम्मच ले लिया है बस इसके मैदे का, और उसे अच्छे से सब पूरे उसमें डस्ट कर देंगे, और एक्स्ट्रा हम इसमें से निकाल देंगे। इससे हमारी कुकीज़ चिपकेंगी नहीं। इसमें आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे मैदे को डस्ट करके बहुत अच्छी कुकीज़ बना सकते हैं, चिपकेगी भी नहीं। देखिए, अब हम कुकीज़ रेडी कर रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा नारियल बचा लिया था,
क्योंकि वो हमें कुकीज़ के ऊपर भी लगाना है। अगर आपके पास ये वाला नारियल ना हो तो जो नारियल का बुरादा होता है, डेसिकेटेड नारियल, आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसे खूब अच्छे से लगा कर हम इस पर रख देंगे। ये हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि ये थोड़ी सी फूल कर बड़ी हो जाती हैं। इसमें रखते हुए थोड़ा सा गैप भी हमें रखना है। देखिए बस ऐसे ही हमें अपनी कुकीज रेडी कर लेंगे। हमारा ओवन भी प्री हीट हो गया होगा और हमारा भगोना भी प्री हीट हो गया। देखिए हमारी ये 8 कुकीज़ हमारी इसमें आ गई हैं थाल में। चलिए अब इसे हम भगोने में रख देंगे। ये देखिए हमारा भगोना भी प्री हीट अच्छे से हो गया है। अब इसके बीच में हम स्टैंड लगाएंगे। आप अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसमें बाउल, कोई भी कटोरी, कुछ भी आप प्लेट रख सकते हैं। बस ये नमक से ऊपर होना चाहिए थाल आपका। बस अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढककर पकाएंगे। बार बार खोलकर नहीं देखेंगे, कम से कम इसमें हमें 20 से 25 मिनट बाद देखेंगे हम। ये हमारा ओवन भी प्रीहीट हो गया है। ये देखिए हमने ओवन की ट्रे पर भी ऐसे ही ऑयल लगा लिया था और उस पर हमने मैदा डस्ट कर दिया और हमारी ये 14-15 इसमें हमारी ये भी रेडी हो गई हैं। ये 150 पर हमने कर दिया है। अब देखते हैं हमारे भगोने वाले के क्या हाल हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बेक हुई हैं। बहुत केयरफुल होकर इसे निकालना पड़ता, बड़ा गर्म हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी बेक हुई हैं, लग भी नहीं रहा है कि भगोने में हुई हैं। ये देखिए हमारी अमन की भी हो गई हैं, गर्म हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ये भी देखिए कितनी अच्छी बेक हो गई हैं। ये तो होनी थी ऑब्वियसली, लेकिन भगोने वाली देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है इसका कि ये ओवन की है या भगोने की है। डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है दोनों में। चलिए अब पीछे से भी देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बेक हुई हैं, पीछे से भी बहुत अच्छे से सिक गई हैं ये। अब हम भगोने वाली भी देख लेते हैं। देखिए भगोने वाली भी कितनी अच्छी सिकी हैं। चलिए ये तो हो गई रेडी, अभी इन्हें तोड़कर भी दिखा देते हैं हम। देखिए बहुत अच्छी कुकीज रेडी हुई हैं, बहुत बढ़िया। अब भगोने वाली भी हम देख लेते हैं कैसी बनी है। देखिए लग रहा है कुछ भी इनमें फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है। अब जरूरी नहीं है हर किसी के पास ओवन हो, जरूरी नहीं है हर वक्त लाइट हो। जब भी आपका दिल चाहे उठाएं और भगोनों में बना लें। भगोने भी बहुत टेस्टी बनी है। देखिए अब मैंने दोनों मिक्स करके रख दी, कोई पता भी नहीं लगा सकता कि इसमें कौन सी भगोने वाली है और कौन सी ओवन की है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।